हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। जो क्रिकेट एक बहुत ही स्किलफुल एंड टेक्निकल बेस्ड गेम है एंड बैटिंग और भी ज़्यादा स्किलफुल पार्ट है गेम का। अगर आपको एक अच्छा बैट्समैन बनना है तो आपकी बेसिक टेक्निक ऑन पॉइंट होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में आपको ऐसी कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके चलते आप अपने बेसिक इंप्रूव कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टैपिंग एंड 1-2-3 ड्रिल्स, ये क्रिकेट की बहुत ही पहली एंड बेसिक ड्रिल है। अगर आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कोच यही करने बोलेगा। तो करना क्या है, आपको आपके स्टांस में खड़े रहना है और टैप करना है, और वन बोलते ही आपको अपनी बैट ऊपर लेनी है एंड टू बोलते ही आपको जो भी लाइन आप खेल रहे हो ऑफ लेग या मिडल आपका पैर वो लाइन पर रखना है एंड थ्री पे आपकी बैट से नीचे आके आपको शॉट खेलना है। बहुत ही बेसिक ड्रिल है और ये ड्रिल करते हैं आपको आपके स्टांस और बैलेंस की समझ आ जाएगी। कोर हिटिंग ड्रिल्स, तो जैसे ही आप आपके स्टांस और बैलेंस के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो आपका पूरा जो ध्यान होता है वो शॉट मेकिंग पे होना चाहिए। तो ये ड्रिल्स में आपको करना क्या है, आपको तीन कोन लेना है और आपको ऑफ मिडल एंड लेग पे रखना है एंड टैप करके वन बाय वन वो कोन को हिट करना है। ऐसे करने से आपको एक शॉट में फ्लो आ जाएगा एंड ये नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करने से आपकी एक मसल मेमोरी बन जाएगी। तो होगा क्या, जब मैच और प्रैक्टिस में वो टफ बॉल आएगी आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगी। शोल्डर बॉल ड्रॉप ड्रिल, ये ड्रिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जब भी ये ड्रिल करते हो आपका जो शोल्डर है वो बॉल के लाइन पे ऑटोमेटिकली आता है एंड आपका जो हेड है वो बॉल के ऊपर आ जाता है एंड क्रिकेट में ये दोनों चीज़ें बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है। तो करना क्या है, आपको एक बॉल लेना है, आपके चिन और शोल्डर के बीच में से प्लेस करना है एंड फिर इसको ड्रॉप करते ही इसको वन टैप उसे हिट करना है। ये ड्रिल से होगा कि आपका जो बॉल पे फोकस है वो इंप्रूव होगा। एक अच्छा बैट्समैन का बॉल पे हेड होना और शोल्डर बॉल के लाइन पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ड्रिल से आपकी दोनों चीज़ इंप्रूव हो जाएगी। बिटवीन स्टंप ड्रिल्स, आपने अक्सर सुना होगा अगर आपको एक अच्छा बैट्समैन बनना है तो आपको वी में खेलना आना चाहिए क्योंकि एक अच्छा बैट्समैन अपने ज़्यादातर शॉट वी में ही खेलता है। और आप वी में तभी खेल पाओगे जब आपका बैट का फेस सीधा होगा और आपकी बैट स्ट्रेट नीचे आ रही है। तो अगर आपको जानना है कि आपका बैट का फेस स्ट्रेट है या आपकी बैट सीधे नीचे आ रही है, ये ड्रिल आपको वो जानने में हेल्प करेगा। तो करना क्या है, आपको बेसिकली एक स्टंप लेना है। आई वुड प्रीफर प्लास्टिक स्टंप क्योंकि ये ड्रिल में बैट और स्टंप का कांटेक्ट बहुत ज़्यादा बार हो सकता है तो आपकी बैट को कोई नुकसान ना हो, इसलिए मेक श्योर कि आप प्लास्टिक स्टंप यूज़ करो। सो अभी करना है कि आपको मिडिल स्टंप निकाल दो एंड सिर्फ ऑफ एंड लेग स्टंप रहने दो एंड उसके बाद आप स्टांस लो एंड जो भी आप शॉट प्रैक्टिस कर रहे हो मेक श्योर करो कि आपकी बैट ये दो स्टंप के बीच में से जानी चाहिए। तो होगा क्या, एट दी एंड आपकी जो बैट है वो सीधे नीचे आएगी और दो स्टंप के बीच में से जा रही है, मतलब आपका बैट का फेस भी सीधा है और वो नीचे भी सीधा आ रही है और जिससे आपको वी में खेलने में आसानी होगी। एंड सेम करना है वेरियस शॉट के साथ, कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव। तो गाइस, ये थे कुछ ड्रिल्स जो आप अकेले प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास कोई थ्रो डाउन का पार्टनर नहीं है। एंड अगर आपके पास भी कोई इनोवेटिव ड्रिल्स है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो एंड एज आई ऑलवेज से कीप प्लेइंग एंड कीप इट सिंपल।